भागलपुर साक्षक थाना क्षेत्र अंतर्गत भोलानाथ पुल के समीप सोमवार को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज का इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल से लेकर नशा मुक्ति केंद्र तक जमकर बवाल किया और घंटों हंगामा किया। परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि पहले उसकी जमकर पिटाई की गई, जिससे शरीर पर कई जगह पर जख्म के निशान उभर आए हैं। जब मरीज की हालत खराब हो गई तो नशा मुक्ति केंद्र में कार्यरत कर्मियों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक की पहचान मधेपुरा जिला के गोलपारा निवासी 36 वर्षीय अमरेश कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी खुशी कुमारी और उनके परिजन मौके पर पहुंचे और अस्पताल में जमकर घंटों बवाल काटा। मृतक की पत्नी खुशी ने बताया कि उसके पति के साथ नशा मुक्ति केंद्र वालों ने बर्बरता पूर्वक पिटाई की, तब जाकर उसकी तबीयत बिगड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने नशा मुक्ति केंद्र वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब मैं सदर अस्पताल अपने पति को ढूंढने गई तो काफ़ी ढूंढने के बाद वह मिले। इसके शरीर पर कई जगहों पर चोट के दाग भी दिखे। मृतक की पत्नी ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब हो कि 25 जून को उक्त मरीज को पासीटोला स्थित प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था और तब से उसका इलाज चल रहा था। वहीं सोमवार को उसकी स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद नशा मुक्ति केंद्र के कर्मियों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के भाई ब्रजेश कुमार ने वहाँ के 3 चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान रंजन, डॉक्टर सी के सिंह और डॉक्टर मोहम्मद अफरोज पर उसकी पिटाई कर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि संचालक मौके से फरार है। इधर घटना की जानकारी मिलने पर इसाकचक थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 25 तारीख को भर्ती किए, 26 को हम नहीं आ पाए, मेरी बच्ची का तबीयत सही नहीं रहता। परसों शाम में RTPCR का इनका जांच आने वाला था ना, उनसे हम रेगुलर पूछते थे सर कैसे हैं, ये वो जो भी होता था, दवाई मेडिसिन कैसा है, ये सब हम पूछते थे उनसे। हाँ, तो हमको बोलते थे ठीक है ना, एक बार हमको देखे हमने दिखाया भी गया था, ठीक ना, ठीक थे। उसके बाद जब हुआ परसों के दिन का बात है, परसों के दिन मेरी दीदी की बेटी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो भागलपुर आई हुई थी, यही आई हुई थी, अपना डॉक्टर को दिखा के चली गई। और हमको भी थोड़ा शादी था घर में, कुछ काम था, मतलब कपड़ा वपड़ा बच्चा का कपड़ा सब लेना था, उसके लिए हम मायके आए तो रात हो गया, 6-7 बजे सुबह होके 8 बजे करीब हम बस पकड़े वहाँ से मुंदरी का। मेरे पास टिकट भी है अभी। अच्छा, हाँ, 11 बजे हम घर छोड़े थे, ठीक है, और बहुत सुंदर था ये, चल भी मतलब कोई दिक्कत नहीं था, तो इस सब बाहर में टहल रही थी, तो हम उसको छोड़ दिए, ये अपना चल गया अंदर, हम चल गए अपना घर। उसको सुबह हमको पता चला कि इसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दिए, तो इसको फ़ोन किया हम कि भाभी कहाँ भेजे उसको, तो उसका कुछ प्रूफ दिया है कि नहीं दिया है, बोला कि हाँ, बोले कहाँ भेजे, कहते कि हम अभी जिसको भेजे हैं, मैं जिसको जो इसको जन्म दिया उसको तो पते नहीं, बतेबे नहीं किए कहाँ भेजे, आपको कैसे बता देंगे, हम उठा दिए, क्या मतलब दूसरे से। फिर सुबह पता चला कि डेट कर गया। तो क्या लग रहा है उसके बॉडी पे इतना मार है, मार का दाग है, निशान है हर जगह, जगह गला पे भी, यहाँ पे भी, सीना पे भी, पेड़ में भी, इससे लगता है कि इसको पीट पीट के मार दिया गया है। यही फोन की थी कि घर पे WG अब चल बसे बाबू, उम्र इसका लमसम 40 का। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को राष्ट्रीय आयोग बाल अधिकार संरक्षण भारत सरकार द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस सम्मान को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने हाथों से स्मृति चिन्ह प्रदान कर नवाजा। दरअसल डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को यह पुरस्कार ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स एंड
सब्सटेंस एब्यूज एक युद्ध नशे के विरुद्ध के लिए बनाए गए ज्वाइंट एक्शन प्लान को अपने जिले में सफलतापूर्वक लागू किया। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य ड्रग के दुरुपयोग को रोकना और अवैध व्यापार को समाप्त करना है, जिसे डीएम नवल किशोर चौधरी ने बखूबी अपने जिले में अमल में लाया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि यह पुरस्कार उनके जिले की पूरी टीम के समर्पण और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रयास जारी रखेंगे ताकि भागलपुर जिले को नशा मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नए आपराधिक कानून को लेकर सोमवार को भागलपुर जिले के सभी थानों में बैठक आयोजित की गई। दरअसल जिले भर के थानों में आयोजित बैठकों का मुख्य उद्देश्य लोगों को भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हुए बदलावों से अवगत कराना था, जो 1 जुलाई यानी आज से लागू हो गया। जिले के कोतवाली, मुजाहिदपुर, तिलका मांझी, इसाकचक, सबौर, ततारपुर, नाथनगर, सुल्तानगंज, जगदीशपुर महिला थाना सहित सभी थाना में पुलिस के वरीय अधिकारियों द्वारा लोगों को नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं महिला थाना अध्यक्ष किरण सोनी ने बताया कि नए आपराधिक कानून में कुछ अपराधों के लिए सजा को सख्त किया गया है, जिससे पुलिस और आम लोगों को न्याय व्यवस्था में काफी सहयोग मिलेगा। साथ ही पीड़ित अब कहीं से भी ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करा पाएंगे, जिससे लोगों को उचित न्याय मिलने में काफी सहयोग मिलेगा। आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे देश में, पूरी देश में इस नया कानून को लागू किया गया है, जिसमें पहले कानून में जो भी कमियां थी उसको दूर करते हुए और उस त्वरित कार्रवाई के लिए नया कानून लाया गया है, जिसमें महिलाओं से संबंधित कुछ प्रावधान को बदला गया है। जैसे कि गैंग रेप वगैरह होता था या नाबालिग के साथ रेप होती थी तो उसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा दी गई। इसमें और है कि 0 FIR की व्यवस्था की गई है। पीड़ित जो है, पीड़िता है, उसको हम लोग जाकर उसके घर पे बयान ले सकते हैं, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके बयान करके और देना है कोर्ट में। उसके बाद में 7 साल से अधिक की जो सजा है उसमें फॉरेंसिक टीम को बुलाई जाएगी और मतलब टेक्निकल एविडेंस के आधार पर हम लोग सजा दिलाने का काम करेंगे। काफ़ी संख्या में भीड़ है आज थाना पर, क्या इसका मैसेज क्या दिया? इसमें जो भी जनप्रतिनिधि है, बहुत सारे पीड़ित आए हुए हैं और गणमान्य लोगों को बुलाया गया और इस कानून के संबंध में उनको जानकारी दी गई, जिसमें नए कानून में क्या प्रावधान किया गया है। जैसे 0 FIR की व्यवस्था है, उनके बारे में बताया गया कि अब आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, अब आप कहीं से भी FIR कर सकते हैं, आपके संबंधित थाना उसका अनुसंधान करेगा। दूसरी बात यह है कि केस कर देते थे, उसको पता नहीं होती थी कि मेरे केस में क्या कार्रवाई हुई। इस संदर्भ में 90 दिनों के अंदर उसको हम लोग को एक प्रति उनको देना है कि हमने क्या अनुसंधान किया और इसमें क्या प्रगति है। अब उनको भटकना नहीं है, FIR होगी और उनको एक कॉपी हम लोग निःशुल्क देंगे और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी FIR दर्ज करेंगे। जैसे ईमेल पे कोई दे देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से यदि कोई आवेदन देते हैं उस पर हम लोग को त्वरित कार्रवाई करके FIR करके और उनको सूचना देनी और 3 दिन के अंदर में वो आके अपना FIR कॉपी लेंगे। इधर जगदीशपुर थाना परिसर में भी नए कानून को लेकर ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक का नेतृत्व गणेश कुमार ने किया एवं मंच का संचालन दारोगा रामचंद्र यादव ने किया। इस दौरान आज से लागू किए गए नए कानून की जानकारी लोगों को दी गई। साथ ही थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने पुलिस और पब्लिक को एक दूसरे को सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर काफी संख्या में पुलिस कर्मी, जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम उपरांत जगदीशपुर थाना में गणेश कुमार के नेतृत्व में नए कानून की जानकारी दी गई। इस दौरान स्कूली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया।
वहीं सुल्तानगंज थाना परिसर में जिला मुख्यालय के निर्देश पर नए आपराधिक कानून को लेकर थाना अध्यक्ष प्रभारी धीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में वीडियो संजीव कुमार, सीओ रवि कुमार, एसआई प्रमोद कुमार, महिला हेल्प डेस्क प्रभारी संगम कुमारी, महिला एसआई प्रियंका कुमारी मौजूद रही। बैठक में थाना अध्यक्ष द्वारा लोगों को नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। महिलाओं के लिए नए कानून में हम लोग यही समझे कि महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए दोनों के लिए सेम कानून है और जो वाजिब होना चाहिए वही हो, कानून वही बनाया गया है और हम लोग को इस कानून के अनुसार महिला के लिए और पुरुष के लिए बहुत अच्छी है। हमें यानी कि सेम कंडीशन में रहना चाहिए, सेम महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए सेम बराबर कानून है। इसाकचक थाना क्षेत्र के बरपुरा चांदनी चौक के समीप एक गूंगी बहरी महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद पीड़ित महिला की मां के बयान पर इसाकचक थाने में मामला दर्ज कराया गया, जहां इसाकचक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला की मां ने बताया कि सोमवार को मेरी बेटी घर पर अपने दो छोटे छोटे बच्चे को सुला रही थी। इसी दौरान पास के ही रहने वाले बिजली मिस्त्री ने घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती की। इसके बाद पीड़ित महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान घर से भाग रहे आरोपी बिजली मिस्त्री को आसपास के लोगों ने दबोच लिया और उसे इसाकचक पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि आज सुबह 11 बजे मेरी बेटी का पति ट्यूशन पढ़ाने गया था और इसके बाद घर में किसी को नहीं देख आरोपी ने इसका फायदा उठाया और उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी 6 माह की गर्भवती भी है। उन्होंने कहा कि अभी 3 महीने पहले ही उनके पति का इंतकाल हुआ है और अब उसके सामने उसके बेटी की ही इज्जत लूट ली गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि पीड़िता का मेडिकल कराया गया। मेरी बेटी पूरा ट्रीटमेंट दे रही है, घर में भी बुले आके मैडम लोग को दिखलाई। आपको कैसे पता चला था? लड़की मेरे पास गई है। हाँ, सामने तो बोल नहीं सकती है, तो कैसे आपको बताई? पूरा हम मान है, हमको तो पूरा आइडिया बताई। अच्छा, तब हम उस लड़के से फोन किया कि तुम गए थे, तो कह इसके हम गए थे, तो तुम क्या क्या बजे गए थे? तो हम 11 बजे गए थे, 10:30 हमका तुम क्यों गए थे उसके अकेले घर पर? तो ऐसे चले गए थे टहलते हुए, हम उससे पहले नॉर्मल से बात किया कि देखते ये कबूलता कि ना, कबूल दी। उसके बाद बोला कि हम ये कुछ थोड़े किया, हमका तुम उसका जिंदगी बर्बाद करेगा, तुमको हम भगना समझते हैं मोहल्ले के नाते से, और तुम इस तरीके से कर रहा। बस वो क्या किया कि चुप फोन काट दी। बस हम उसके शौहर को बुलाया और उसके घर पर भेजा और जा करके मेरा बेटा भी खूब बोला। उसके बाद इतने में वो उसके माँ बाप ये भाग गया घर से, ये भाग गया मेरे घर देके निकल जा रहा था रात में 9 बजे चुप्पे से। दामाद क्या करता है आपके? दामाद ट्यूशन पढ़ाते हैं। उस समय कहाँ थे आपके दामाद? पढ़ाने गए थे। अब बेटी घर में अकेली, बेटी दो बच्चा है उसको लेके सुला रहे थे, नहा धो ये घर मजदूर किसी का घर बन रहा, मेरे बाप अस्तर हो रहा था तो मजदूर लोग ऊपर में था। पति आपके? मेरे पति इंतकाल कर गए, वे नका 3 महीना हुआ मुसीबत में, हम घर से निकलने रहे थे। अभी मेरा इज्जत ना पूरा, ये बेटी के कारण हमको बाहर निकलना पड़ गया, तो रात भर ऐसे बैठे रहे पानी बेटी को लेकर के। ये दोहरा जो है दर्द आपको मिला? मिल गया, बहुत बचा के इस बच्ची को हम रखा था, इसी के टेंशन में इसका मेरे हस्बैंड चले गए। जब से प्रेग्नेंट है तीसरा बच्चा इसको होने वाला था, ये सारा भेदभाव जान लिया। उसके बाद इसके साथ जाके बदमाशी कर दिया। मेरी बेटी कल से खाई पीना पीनी जरा हो रही है, देखिए रो रो के पूरे घर में एकदम केबारी खिड़की बंद करके हमको बताई सब मेरी।